हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए कि कैसे आप जो है अपने डिवाइस में जो डिस्प्ले साइज होता है उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करें आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ पर स्वाइप करेंगे। स्वाइप करने के बाद दोस्तों, हम यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों, मैं सामने एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे सेटिंग्स का। दोस्तों, आपको उस ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों, आपके सामने एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का। दोस्तों, आप इस ऑप्शन क्लिक करेंगे तो इसके बाद दोस्तों, आप कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों, आपके सामने एक ऑप्शन है यहाँ पे फोन एंड डिस्प्ले साइज का। दोस्तों, अगर आप इस ऑप्शन क्लिक करेंगे तो दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको यहाँ पे से स्वाइप कर लेना है। स्वाइप करने के बाद दोस्तों, आपके सामने एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे डिस्प्ले साइज का। दोस्तों, यहाँ से आप जो है अपनी डिस्प्ले साइज अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद आए आप उस पर क्लिक करें। यहाँ पे डिफॉल्ट है, स्मॉल है, लार्ज है। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे कर देंगे डिफॉल्ट। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते के साथ दोस्तों, जो आपकी डिस्प्ले साइज है यहाँ से चेंज हो जाएगी कुछ इस तरीके से। दोस्तों, आज का वीडियो बस यही तक था। बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।